सुनेंगे हिंदी में क्रिया चैप्टर। क्रिया मतलब वर्ब। तो सबसे पहले तो इसको साधारण भाषा में ही समझ लेते हैं कि किसी भी वाक्य में किसी भी कार्य का होना क्रिया कहलाता है। जैसे कि इस समय मैं आपको पढ़ा रही हूं, मेरा पढ़ाना क्या हो गया, क्रिया हो गया। और आपका आप इस समय पढ़ रहे हैं तो ये इस वाक्य में क्रिया क्या हो गई कि आप पढ़ रहे हैं। तो किसी भी कार्य का होना क्रिया कहलाती है। माता जी खाना बना रही है तो क्या बन रहा, खाना बन रहा है ना, काम हो रहा है। बनाना, उनका कार्य करना क्या हो गया, बनाना, तो वो हो जाती है क्रिया, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्ब। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं तो क्या बना, इसमें क्या हो रहा है, खेल रहे हैं ना, वो खेलना क्या हो गया, उनकी क्रिया हो गई। हंसना, रोना, खाना, पीना, उठना, बैठना, चलना, पढ़ना, ये सारे कार्य जो है ये क्या होते हैं, क्रिया होती है। तो समझ में आ गया साधारण शब्दों में कि किसी भी कार्य का होना क्रिया होती है। अब इसकी परिभाषा, इसके भेद, उनकी डिटेल्स पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है क्रिया की परिभाषा। जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। अभी समझाया मैंने आपको कि जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ, पढ़ाना एक शब्द है और इससे आपको ये बात पता चलती है कि पढ़ा रही है तो काम हो रहा है नहीं, तो बस जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्लियर है? जैसे माया खाना खा रही है, आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा तो माया तो क्रिया नहीं होगी क्योंकि ये तो कर्ता है, सब्जेक्ट है, खाना ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी नहीं हो सकता। रही है भी कोई क्रिया नहीं है, लेकिन एक कार्य हो रहा है, क्या कर रही है, खा रही है, ये क्या होगी, आपकी क्रिया होगी। कार्य कर रही है ना कि वो खा रही है, तो वो क्या होगी, आपकी क्रिया। किसी भी कार्य का करना या होना पाया जाए वो क्रिया है। नेक्स्ट वन है, हम अपना पाठ याद कर रहे हैं। अब आप लोग बताइए हम क्या होगा, कर्ता, ठीक है। अपना ये भी कुछ नहीं हुआ, पाठ भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन याद करना एक काम हो गया, लिखना एक काम हो गया, सुनना एक काम हो गया, बात करना एक काम हो गया, तो याद करना भी एक काम हो गया, अर्थात क्या बन गई, क्रिया बन गई। समझ में आया? तो हम अपना पाठ याद कर रहे हैं, माया खाना खा रही है, तो ये क्या बन गई, क्रिया बन गई। क्रिया तो समझ में आ गई होगी कि जब कोई काम होता है तो वो क्रिया हो जाती है। आगे चलते हैं, क्रिया के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ठीक है। कितने भेद होते हैं क्रिया के, दो, सकर्मक, अकर्मक। अगर आप लेसन को ध्यान से सुने तो आपको तुरंत ही एट द टाइम आपको याद हो जाएगा, लेकिन आप पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए और अपनी भाषा में इसको लर्न करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए सकर्मक क्रिया क्या होती है देखते हैं। जिस क्रिया में कर्म साथ में जुड़ा होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। समझ में नहीं आया होगा, फिर से देखो, पहले तो डेफिनेशन देखो फिर हम इसका मतलब भी समझेंगे। जिस क्रिया में कर्म साथ में जुड़ा होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब ये कर्म क्या है, क्या है ये कर्म, कर्म हम बताते हैं क्या। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। मोहन खेल रहा है, हमने तो पढ़ा ही नहीं गेंद से, क्यों नहीं पढ़ा, अभी नहीं पढ़ेंगे हम, तो हम सेंटेंस पढ़ेंगे मोहन खेल रहा है। हमें नहीं पता कि वो किस क्या खेल रहा है या वो किस चीज से खेल रहा है या वो कहाँ खेल रहा है, हमें नहीं पता। लेकिन अगर हम इस सेंटेंस में, इस वाक्य में अगर ये जोड़ दें कि मोहन गेंद से खेल रहा है, तो ये सेंटेंस क्या बन जाएगा, सकर्मक बन जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या जुड़ गया, कर्म जुड़ गया। क्लियर है कि जब किसी वाक्य में उसका कर्म साथ में जुड़ जाता है, उसके बारे में हमें पूरी डिटेल पता चल जाती है, तो वो वाक्य सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। समझ में आया? मैं आपसे कह दूं
कि मैं आज आपको हिंदी का क्रिया चैप्टर पढ़ा रही हूँ, तो ये वाक्य सकर्मक हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये सकर्मक वाक्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें मेरे साथ कर्म नहीं जुड़ा है। समझ में आया? अगला सेंटेंस देखो, राधा छत पर नाच रही है। एक बार और पढ़ो सेंटेंस को, राधा नाच रही है। गलत हो गया ना? क्यों? क्योंकि हमको बताया नहीं गया वाक्य में कि कहां पर नाच रही है, कैसे नाच रही है और क्यों नाच रही है। हमको बता दिया इस वाक्य के अंतर्गत कि राधा छत पर नाच रही है, तो यानी कर्म जुड़ गया। तो राधा छत पर नाच रही है अर्थात सकर्मक क्रिया बन गई। समझ में आया? नेक्स्ट वर्ड है अकर्मक क्रिया। जिन क्रिया में कर्म साथ में जुड़ा नहीं होता है, जिन क्रिया में कर्म साथ में जुड़ा नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें कर्म जुड़ा था, इसमें कर्म नहीं जुड़ा है। जैसे सोहन सो रहा है, जैसे सोहन सो रहा है, मतलब हमको क्या बताया है सोहन कितने बजे से सो रहा है, कहां सो रहा है, कैसे सो रहा है? नहीं। तो जब वाक्य अधूरा सा प्रतीत हो वो आ जाता है अकर्मक क्रिया। राजू खाना खा रहा है, कहां खा रहा है राजू पता है? नहीं पता है। क्या खा रहा है राजू पता है? नहीं पता है। तो जब वाक्य में उसके साथ उसका कर्म का अभाव हो अर्थात कर्म जुड़ा ना हो वहां आपकी अकर्मक क्रिया आ जाती है। समझ में आ गया सकर्मक और अकर्मक में अंतर? सकर्मक में कर्म जुड़ता है और अकर्मक में कर्म नहीं जुड़ता है। क्रिया क्या होती है? जब भी किसी कार्य का कर्म या होना पाया जाता है तो वो क्रिया हो जाती है। तो विद एग्जाम्पल, आपको यही एग्जाम्पल नहीं लिख देना है, अपने मन से एग्जाम्पल बना के लिखना ताकि आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आ जाए। क्लियर है? इस चैप्टर को अच्छी तरीके से सुनना, समझना, उसके बाद लर्न करने के बाद उसकी वीडियो, उसकी फोटो खींच के व्हाट्सएप पे ग्रुप में सेंड करना। क्लियर है?